guys, Assalamualaikum. That's me, Mehak Rubab Qadri, and welcome back to my channel. So, जनाब आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी ज्यादा खास है क्योंकि मैं जो है वायरल प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ. यस, ये है मेंडेलिक सीरम जैन फार्म वालों का जो कि काफी वायरल था, काफी चर्चा में था. लेकिन मैंने कहा कि इसको मैं ट्राई करूँ और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इसको इस्तेमाल करने के बाद और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या ये प्रोडक्ट एक्चुअल में काम करता है और क्या ये जो इतनी हाइप का शिकार है कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा है एक्ने के लिए, एक्ने स्कार्स के लिए, तो ये आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है. तो जो नए लोग मुझे देख रहे हो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना. सो चलिए ज्यादा बात नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं. सो हेयर इट इज मेंडेलिक सीरम. अच्छा, मेंडेलिक एसिड सीरम है ये. इसमें जो है मेंडेलिक एसिड है 20%. मेंडेलिक एसिड क्या काम करता है? मेंडेलिक एसिड जो है आपके एक्नी और एक्नी स्कार्स के लिए बड़ा बेहतर रहता है. अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल है, लूज है, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है ब्राइटनेस नहीं है, टैन हो गया है, तो उसको भी जो है ये निखारती है. लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी. सबसे पहले थोड़ा पैकेजिंग के हवाले से मैं बात कर लूँ. इसकी पैकेजिंग जो है चेंज हो गई है. पहले जो है बहुत अच्छी पैकेजिंग थी, अब जो है ये कार्डबोर्ड के डब्बे में इस तरह से आता है और फिर आप इसको निकालते हैं तो जो है आपको सिरप मिलता है. प्राइजेस के हवाले से इसकी मैं बात करूं तो ये जो है आपको 800 के अराउंड मिलता है 20 ml सीरम. और इनकी वेबसाइट में ही नहीं, आपको ये सारी केमिस्ट की शॉप से मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये कोई ब्यूटी सीरम नहीं है, ये एक दवाई है उन लोगों के लिए जिनको स्किन के प्रॉब्लम्स है. अगर उनको हाइपरपिगमेंटेशन है, अगर उनको एक्नी है, अगर उनको एक्नी स्कार्स हैं और इनके जो है स्किन बहुत ज़्यादा लूज और डल हुई भी है तो वो ये सीरम यूज़ कर सकते हैं. ये सीरम जो है अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन जो है पील होती है. अब मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि पीलिंग से मुराद वो केमिकल पील नहीं है कि आपने जो है अप्लाई किया और फिर जो है दूसरे दिन आपकी स्किन धड़ाधड़ उतर रही है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. इसको आप अप्लाई करते रहोगे तो आपकी स्किन जो है थोड़ी थोड़ी पील होना शुरू होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और जिसको आप आम जबान में मेरे ख्याल से छारियाँ बोलते हो, आई डोंट नो, लेकिन वो ड्राइनेस की वजह से जो आपकी स्किन थोड़ी सी रफ हुई हुई होती है, उतर रही होती है, उस तरह से ये जो है उतरना शुरू करेगी बहुत ही हल्के हल्के से और आपकी जो है पुरानी स्किन की लेयर्स जो है उतरेगी तो नई स्किन आएगी तो आपकी जो है स्कारिंग लाइट होगी और आपके एक्नीज वगैरह ठीक होंगे. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन की थी कि इसको अप्लाई करने से जो है एक्नी निकलता है. मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे एक बात इनकी समझ में आई और क्लियर हुई कि आपको जो है एक्नी निकलेंगे इसको अप्लाई करने के बाद. लेकिन वो कौन से एक्नी होंगे? जो आपकी स्किन पे दबे हुए एक्नीज है ना, इसको अप्लाई जब आप कर रहे होगे तो आपकी स्किन के अंदर जो दबे हुए एक्नीज और पिंपल है उसको ये उभारता है, निकालता है और फिर आप इसको अप्लाई करते रहते हो तो उसको ये हील करता है. मतलब कम्प्लीटली आपके अंदर जो एक्नी और पिंपल का बीज है उसको ये फिर से जो है ग्रो करता है एंड देन उसको ख़त्म करता है. तो अगर आपकी एक्टिव एक्नी है और अगर आपको पिंपल का मसला है तो ये सीरम वाकई में काम करता है एक्नीज और पिंपल को ड्राई करने के लिए. दूसरी बात, अगर आपने जो है इसको रेगुलर बेसिस पर फेस पर अप्लाई करते रहे करते रहे करते रहे तो ये आपकी स्किन को डैमेज कर देगा, आपकी स्किन को जला देगा. यस, मेरी स्किन को इसने जला दिया क्योंकि मैं बहुत जज्बातियत के साथ इस्तेमाल कर रही थी. आपको रिव्यू करके देना था तो मुझे जो है यहाँ पर एक्नी निकले थे 1-2-3, इसी के साथ ही जो है मैं यूज़ कर रही थी तो दबे हुए अंदर से वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स से तो वो जो है एक्नी में ट्रांसफ़र हो गए थे और उसके बाद जो है वो ख़त्म होने थे. लेकिन मैंने उसको इतनी ज़्यादा लगाया कि वो यहाँ से मेरी स्किन जल गई क्योंकि मेरी स्किन यहाँ से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये दोनों एरिया से रेगुलर बेसिस पर लगाने से मेरी स्किन जल गई. तो आपने जो है एक बात तय है कि इसको रेगुलर बेसिस पर नहीं लगाना है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और अगर आपकी स्किन पर कहीं सेंसिटिव पैचेस हैं तो आपकी स्किन का वहाँ से जलने का खतरा है. तो आपने इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, फेस अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए. देन उसके बाद आपने जो है 2-3 ड्रॉप लेने हैं और इसको अपने फेस पर अप्लाई करने हैं और अप्लाई करने के 10 मिनट बाद आपने धो लेना है. लेकिन क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा दिनों से इस्तेमाल कर रही हूँ और बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, बल्कि बहुत ज़्यादा जारियत से इस्तेमाल कर रही थी कि मैंने अपनी स्किन भी जला दी थी अपने एक्नीस पर जो है रोज़ लगाने पर स्किन जला दी थी. तो आपने रोज़ नहीं लगाना है इसको, इसको आपने सिर्फ जो है एक दिन लगाना है, फिर एक दिन का गैप रहना है, फिर दूसरे दिन लगाना है, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है, 10 मिनट तक लगाना है, फिर जो है वॉश कर लेना है. तो अभी मैं पूरे फेस पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, थोड़े से जो है ड्रॉप्स लूँगी 2-3 ड्रॉप्स और अपने जो टारगेटेड एरियाज है जैसे मेरे कुछ पिंपल्स हैं, मेरे स्कार्स हैं, वहाँ पर अप्लाई करूँगी एंड देन फिर जो है इसको छोड़ दूँगी. बेस्ट टाइम जो है अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो.
और अगर आपको अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी टिंगलिंग हो तो वो नॉर्मल है। आपने जो है रात को अप्लाई करना है क्योंकि रात को ही बेहतर टाइम होता है इस तरह के सीरम्स अप्लाई करने के लिए। तो जो तरीका है जैसे आपने वैसे ही इस्तेमाल करना है तो आपको जो है बड़े बेहतर नतीजे मिलेंगे। थैंक्स। इस सीरम के पैकेज के अंदर आपको एक गाइड मिलेगी, उस गाइड में क्लियरली लिखा हुआ है कंपनी वालों ने कि आपको ये सीरम अप्लाई करना है उन एरियाज पे जहाँ पे आपको जरूरत है एंड देन उसको एक घंटे के बाद धो लेना है। तो इसका मतलब ये सीरम इतना एसिडी है और इतना जो है एक्सट्रीम है कि एक घंटे में आपकी स्किन पर जो है ये काम कर लेगा। अब स्किन की पीलिंग की बात आती है तो आपने जो है इसको एक दिन छोड़ के एक दिन अप्लाई करना है तो आपकी स्किन पील होगी। रेगुलर बेसिस पर अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो आपकी स्किन एज सच पीलिंग नहीं होगी। अब क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया तो क्या मेरी स्किन पर स्कार्स और जो है एक्नी खत्म हुआ? हाँ, मेरे जो एक्टिव एक्नीस थे उस टाइम वो बिल्कुल रिमूव हो गए। जो मेरे दबे हुए एक्नी थे उसको निकाल के इसने जो है हील किया। उसके बाद स्कार्स की बात आती है तो यहाँ पर मुझे जो है एक बहुत सॉलिड किस्म का स्कार है तो मैं जो है उसी स्कार को टारगेट कर रही थी और जो है मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही थी। एज सच उस स्कार को इतना जो है इन्होंने हील नहीं किया है इस सीरम ने, लेकिन जो आसपास मेरे लाइटर स्कार से उनको जो है और लाइट कर दिया है। तो अगर मैं इसको कंटिन्यूटी के साथ इस्तेमाल करूंगी तो हो सकता है कि मेरा ये एक्सट्रीम स्कार है वो भी जो है लाइट हो जाए। एंड द अदर थिंग कि इसने मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइन किया है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लूज स्किन है, आपके पोर्स बहुत ज़्यादा जो है लार्ज हैं तो उसको ये मिनिमाइज करेगा, आपकी स्किन को ये टाइट करेगा। अगर आपको जो एंटी एजिंग का मसला है तो आपके ये रिंकल्स पर बड़ा अच्छा काम करेगा। ब्राइटनेस की बात आती है तो आपकी स्किन को ये अनइवन स्किन को एक टोन में तब्दील करेगा। क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी एक टोन में ही है तो ऐसा मुझे नजर नहीं आया, लेकिन ये करेगा क्योंकि ये जो है आपकी जब स्किन पील करता है तो नई स्किन आती है तो आपको जो एक इवन सा जो है टोन प्रोवाइड करती है। इसको अप्लाई करने से आप गोरे नहीं होंगे लेकिन आपकी जो अनइवन स्किन है, अगर आपको टैन है तो वो ये बिल्कुल रिमूव करेगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप इस प्रोडक्ट को किसी दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ मिलाकर लगाएं, यानी कि किसी मॉइस्चराइजर के साथ या किसी ब्यूटी क्रीम के साथ, तो आपको जो है एज सच हार्श स्किन पर इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे और आपकी स्किन को बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी स्किन जो है बहुत अच्छी कंडीशन की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ किया तो आपकी स्किन जल जाएगी, आपकी स्किन रफ हो जाएगी और आपकी स्किन का हो जाएगा बेड़ा गर्क। तो अगर आप कोई एसिड वाला सीरम जैसे कि एसिड इसमें है मेंडेलिक का तो वो यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो है एहतियात करनी पड़ेगी। सो यस, आज वीडियो में यही था, ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और हो सके तो मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना, पेज को लाइक कर लेना। दैट्स मी, मैं हूं रुबाब कादरी, सिंगल लव स्ट्री और दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।